아침에 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं अनीता सिंह, यूट्यूब चैनल अनीता की ज़िंदगी में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि कोई भी मेरी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। एवरीवन, और सब बताइए आप सब कैसे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं तो ठीक हूँ और लेकर चलती हूँ ब्लॉग में और बैठ गई हूँ आप सबसे बातें करने, और बात करते करते आगे लेकर चलती हूँ आप सबको। हेलो एवरीवन, तो यहाँ देखिए टमाटर की कोफ्ता बनाने वाली हूँ। तो मेरा टमाटर हो गया, टमाटर को अच्छे से सारे फ्रेश कर ली हूँ और उसका जो बीज होता है और जो उसका यानी सीरा होता है सबको बाहर निकाल दी हूँ। और मेरा ये प्याज हो गया, प्याज कट कर दी हूँ दो। और सबको अच्छे से फ्रेश करने के बाद यहाँ मैं तैयार कर रही हूँ खाना बनाने के लिए। देख सकते हैं ट्राईपॉड लगा दी हूँ। तो यहाँ मेरा दाल पक चुका है और इंडक्शन पे यहाँ दाल रख दी हूँ। और ये देख सकते हैं एवरीवन, ये टिफिन हो गया, हमारे हस्बैंड की टिफिन बक्स है। और टिफिन बक्स इतना ही अच्छा है, इसमें 6 घंटे जो खाना है ताज़ा रहता है, यानी गर्म रहता है। तो कोई भी खाना गर्म रहता है तो खाने में स्वादिष्ट लगता है। तो ये 1200 रुपया का पड़ा था, ये ऑनलाइन में मंगाई थी। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सबको मैं फ्रेश करके रख दी हूँ टिफिन लगाने के लिए। तो यहाँ मेरा जो दाल है पक चुका है और चावल लेने के लिए मैं रूम में जा रही हूँ, चावल लेकर फ्रेश करूँगी। कितना भी हम फ्रेश करके चावल को पहले से रखते हैं। और बात ऐसी है कि मेरी न्यू चावल है, तो न्यू चावल में क्या होता है कि कीड़ा हो जाता है, यानी हमारे यहाँ कीरी बोलते हैं कि कीरी हो जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं सबको हम फ्रेश कर रही हैं। तो यहाँ मेरा चावल फ्रेश हो चुका है और इसको बस रख दूँगी पकने के लिए। और बात आज ऐसे हुआ है एवरीवन, कि जब से मैं वीडियो बना रही हूँ तब से हमारे आसपास में शिव चर्चा बहुत हो रहा है। और शिव चर्चा होता है तो यहाँ पर बहुत डीजे और जो डेक होता है लोग बहुत बजाते हैं। और हमारे वीडियो में गाना जो टी सीरीज का होता है नहीं आना चाहिए। मैं बहुत आज परेशान हुई वीडियो बनाने में, और तरह तरह के लोग गाना लगा देते हैं। यहाँ मेरा चावल फ्रेश हो चुका है एवरीवन, और मेरा ये घर का चावल है। अब सबको ही पता होगा हम गाँव पर आए हैं तब से, और हमारे ससुर जी आप सबको पता होगा कि फार्मर है तो खेती करते हैं। तो इसमें तो बूढ़े हो गए हैं, फिर भी वो देख रेख करते हैं और हम लोग जो उनकी खर्च होता है सब देते हैं। तो घर के ही चावल है, और पूरा तो हमारे यहाँ यही तो होता है कि पूरा जो पुश्तानी चीज़ होता है जन्म जन्म के, यानी पीढ़ी बाई पीढ़ी चलते रहता है। तो घर पर आए हैं तो हमारा जो फसल है सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं, और यहाँ पर ख़रीदना नहीं पड़ रहा है। ऐसे हम बाहर में थे तो हमारा जो आटा है उसको हम खरीदते थे। तो यही तो होता है चावल के, हम अच्छे से बनाते वक्त भी देखते हैं, ऐसे भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। चेक करते रहते हैं, चावल को बनाते हैं तो चेक करते हैं, और खाते वक्त भी हमारे चावल में का जो भी हो, कंकड़ हो, कुछ भी हो, दिखता है। पर हमारे आटे में यही होता है कि नहीं दिखता है, जो भी है एक आटे हो गया और एक दूध हो गया, इसी में नहीं पता चलता है कि क्या चीज़ की मिलावट है, हम स्वाद से उसको पहचानते हैं। और चावल हो गया
हम साफ़ करते हैं, हम उसको जैसे जैसे चावल को बनाते हैं पकाते हैं हमको दिखता है उसमें कोई कंकड़ नहीं है, कोई ऐसे अन्य चीज़ नहीं ना है, तो हम देख रेख करते हैं तो हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, ठीक होता है। नहीं तो चावल में जो कंकड़ होता है हमारे पेट में जाकर पथरी कर देता है। तो यहाँ हमारे आलू बॉयल हो चुका है और हम इसको ठंडा होने के लिए रख दिए और चावल रख देंगे हम पकने के लिए, और आलू को हम मसल लेंगे छिलकोया हटाकर। तो यहाँ देख सकते हैं आलू को मसल ली हूँ और मसाला तैयार कर ली हूँ और इसमें डाल दी कटा हुआ प्याज, और प्याज डालने के बाद इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जब हमारा ये ठंडा हो जाएगा तो हम टमाटर में सेट कर देंगे। तो देखिए हम टमाटर के कोफ्ता हमारे यहाँ इस तरीके से हम बनाते हैं, बहुत सब पसंद करते हैं। तो यहाँ सबको आलू को कस दी हूँ टमाटर में, यहाँ कसने के बाद अपनी उंगलियों से दबा दबा कर यहाँ तेल को हीट होने दी, और तेल मेरा हीट हो गया तो दो चार पाँच करके सबको डाल दी। और यहाँ देख सकते हैं मेरा ये भी टमाटर फ्राई हो चुका है, इसको हमारे यहाँ टमाटर की कोफ्ता बोलते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ कोफ्ता हमारा तैयार हो चुका है, इसको हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसको ठंडा होने देंगे कुछ देर तक। जो उसमें का तेल बचा हुआ था उसमें जीरे और तेजपत्ता और दालचीनी का तड़का लगा दी और प्याज डाल दी और चिली पाउडर एक चम्मच और धनिया पाउडर एक चम्मच और मिक्स मसाला एक चम्मच और जो टमाटर का ग्रेवी निकला हुआ था उसको डालकर उसको फ्राई कर दी। यहाँ देख सकते हैं सबको फ्राई कर ली हूँ। अब लगा दी पानी, तो पानी में जब बॉयल हल्की आ गया तो लगा दी एक चम्मच गरम मसाला, और गरम मसाला सब कुछ मेरा फ्राई हो चुका तो उसमें डाल दी पानी, पानी में बॉयल आ गया तो इसमें डाल दी टमाटर। तो देख सकते हैं मेरा टमाटर कोफ्ता बनकर तैयार हो गया है। आप सब आ जाइए फ्रेंड, तो देख सकते हैं किस तरह से दिख रहा है, एक भी इधर सुधर नहीं हुआ है। और यहाँ लगा दी आप सबके लिए खाना, तो आप सब आ जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से